नमस्कार, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। रुख करते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ में आज हरेली का त्यौहार मनाया जा रहा है और इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हरेली यात्रा को रवाना किया और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल घड़ी डांस करते हुए नजर आए और बैलगाड़ी की यात्रा की उन्होंने और पूरे प्रदेश को हरेली की शुभकामनाएं दी हैं। गौरतलब है कि भूपेश सरकार ने हरेली के दिन पूरे प्रदेश में अवकाश का ऐलान किया है और इस मौके पर कवासी लखमा भी जमकर थिरके। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज हरेली त्योहार के अवसर पर तखतपुर ब्लॉक के ग्राम गनिहारी पहुंचे। यहां पर वे प्रदेश के पहले आजीविका अंगना यानी कि मल्टी एक्टिविटी सेंटर का उद्घाटन किया, जिसका निर्माण 3,67,00,000 रुपए में किया गया है। यहां पर वे डोम के अंदर सिलाई मशीन प्रशिक्षण, गणवेश निर्माण, जूट बैग निर्माण, अगरबत्ती निर्माण, एलईडी निर्माण और बल्ब निर्माण, साथ ही साथ ही कोच की जो चूड़ियां हैं उसका निर्माण और सैनिटरी पैड निर्माण का अवलोकन भी किया। तरीके यहाँ पे प्रमुख से तीन कार्यक्रम है। गनियारी में मल्टी एक्टिविटी सेंटर है, उसका उद्घाटन करेंगे। रूरल इंडस्ट्रियल क्लस्टर है, उसका लोकार्पण होगा। और उसके बाद नेवरा में जो गोठान है उसका लोकार्पण एवं हरियाली का सेलिब्रेशन। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है हरियाली के उत्सव पर। यहाँ पर गोठान का लोकार्पण है और गनियारी में जो आप देख रहे हैं ये छत्तीसगढ़ का प्रथम त्यौहार हरेली किसानों का प्रमुख त्यौहार है और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनते ही हरेली त्यौहार को धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अपने अपने क्षेत्र के गौठानों का लोकार्पण करेंगे। हरेली त्यौहार में बेमेतरा जिले में 33 गौठानों का प्रभारी मंत्री अनिला भेड़िया और बेमेतरा विधायक आशीष छावड़ा, नवागढ़ विधायक गुरुदयाल बंजारी ने किया। वहीं गोठान लोकार्पण की बात करें तो बिलासपुर जिले के नेवरा में हरेली त्योहार मनाई के नेवरा में सभा को संबोधित करते हुए नेवरा के सभा स्थल को हरेली गांव का शक्ल दिया गया है और गांव के पारंपरिक खेल और छत्तीसगढ़ी व्यंजन की खुशबू से सभा स्थल सराबोर हो गया। सरकारी योजनाओं को लेकर स्टॉल लगाए गए। पारंपरिक खेल फुगड़ी, खो खो, भोरा, गेड़ी और एयर नारियल फेंकने के खेल में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद खेलने के लिए पहुंचे और चीला और चौसेला के साथ साथ गुलगुला का भी स्वाद लिया। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संस्कृति के संरक्षण के लिए मनाए जा रहे हरेली त्योहार महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने त्योहार का शुभारंभ किया। इस दौरान पारंपरिक खेल फुगड़ी, गेड़ी सहित विभिन्न खेल आयोजित किए गए। वहीं नरहरपुर ब्लॉक के मनिकापुर ग्राम में शासन के ड्रीम प्रोजेक्ट नरवा गरवा घुरवा बाड़ी 42 कोठानों का शुभारंभ किया गया। मंत्री गुरुदत्त कुमार ने इस दौरान जिलेवासियों को हरेली त्योहार की बधाई दी और कहा कि शासन की मंशा छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बचाना है। नरवा गरबा घुरवा बाड़ी शासन की बहुत ही अच्छी योजना है और जिसके शुभारंभ के साथ ही योजना का लाभ मिलने लगेगा। ये हमारी सरकार माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार की ये तौर है कि इस पहली त्यौहार हमारे जो त्यौहार होते हैं उसको हमारी सरकार के द्वारा बढ़ावा दिया जाए, इसलिए उन त्यौहारों के दिन में छुट्टियाँ भी ना दी गई है ताकि रेडियो में छुट्टी सब हम अच्छे करते। जांजगीर चांपा जिले में छत्तीसगढ़ का लोक पर्व हरेली धूमधाम से मनाया जा रहा है। किसानों की समृद्धि और खुशहाली के इस पर्व पर किसान सभी तरह के औजारों की साफ सफाई कर पूजा अर्चना करते हैं। हरेली को छत्तीसगढ़ के पहले त्योहार की संज्ञा दी जाती है। जांजगीर चांपा जिले में हरेली त्योहार धूमधाम से मनाया गया। हरेली के दिन किसान अपने कृषि औजारों की पूजा की और कुल देवता और ग्राम देवता की भी पूजा की।
विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक बस्तर दशहरे की शुरुआत हरेली अमावस्या के दिन पट जत्रा पूजा विधान के साथ शुरू हुई और पूजा अर्चना करने के पश्चात बकरा और मोगरी मछली की बलि देकर माई को प्रसाद चढ़ाया गया और साथ ही साथ परंपरा अनुसार विशेष गांव बिल्लोरी के ग्रामीण साल की लकड़ी लेकर जगदलपुर पहुंचे और दरअसल इस लकड़ी से रथ बनाने के बड़े बड़े हथौड़े और चक्के का निर्माण किया जाता है। रथ निर्माण करने वाले कारीगर खाता पुजारी और दशहरा पर्व से जुड़े माझी चालकी व प्रदेश स्कूल शिक्षा मंत्री व बस्तर जिले के प्रभारी मंत्री प्रेम साय टेकाम बस्तर सांसद विधायक व स्थानीय जनप्रतिनिधियों और माई दंतेश्वरी के सेवादारों की उपस्थिति में पूरा विधि विधान सम्पन्न हुआ। आज से स्टार्ट होने के बाद जो इन्हें आके रथ बढ़ाई लोग आए हैं खाती पुजारी और सब मांझी चाल की आज से जो इन्हें पूजा विधि चालू हो गया बस्तर दशहरा मैंने 75 दिन का दशहरा है आज से नहीं 807 साल हो गया है दशहरा स्टार्ट। टुरू कोटला के नाम से जो लकड़ी जाई जाती है उसकी पूजा विधान की जाती है। इसके पश्चात हमारा बस्तर का 75 दिवस का दशहरा पर्व कार्यक्रम शुरू होता है जिसमें हमारे जो पुजारी होते हैं एवं रथ निर्माण का जो कार्य किया जाता है उसकी शुरुआत की जाती है। हरेली अमावस के विशेष अवधि दिवस पे ही किया जाता है। आज इस विधि विधान के साथ जो सदियों से चली आ रही हमारे बस्तर की परंपरा 75 दिनों की दशहरा आज से प्रारंभ होगी। निश्चित रूप से हमारे बस्तर वासियों के लिए खुशहाली एवं समृद्धि का त्यौहार है और मुझे उम्मीद है कि माता के आशीर्वाद से 75 दिनों का दशहरा अच्छे से संपन्न होगा। कस्तूर क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों में सावन के कृष्ण पक्ष अमावस्या में हरेली पर्व परंपरागत तरीके से पूरे हर्ष उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अंचलों के अलावा शहर में यादव समाज के लोग घर के मुख्य दरवाजा वाहनों पर नीम की डालियां बांधकर पर्व की बधाई दे रहे हैं। सभी घरों में पकवान भी बनाए गए हैं। साथ ही परंपरा अनुसार कुल देवता की पूजा अर्चना की गई और हरेली पर किसान नागर गैंती कुंदाली फावड़ा समेत कृषि के काम आने वाले सभी तरह के औजारों की साफ सफाई कर पूजा अर्चना करते हैं और त्यौहार पर सभी घरों में गुड़ का चीला बनाया जाएगा और बच्चे पारंपरिक खेलों को खेलते भी दिखाई दिए। हमारे छत्तीसगढ़ के पर्व हरेली सावन अमावस्या के दिन हर वर्ष मनाए जाते हैं जो कि खेती बाड़ी के किसान में आने वाले वस्तु जैसे कि नांगर है बैल है ट्रैक्टर है फावड़ा है शब्बल है इत्यादि जो काम में आने वाले उन सभी को नदी तालाब में साफ कर घर लाकर पूजा अर्चना। वही केलो कोलांचल आदिवासी बाहुल जनपद पंचायत तमनार के हाई स्कूल मैदान में छत्तीसगढ़ी हरेली त्योहार पर खेलकूद विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किया गया। खेलकूद प्रतियोगिता में गिड़ी दौड़ और कुकड़ी रस्सा कसी खो खो कबड्डी नारियल फेंककर की खेल खेले गए और प्रतियोगिता को प्रथम द्वितीय एवं सांत्वना पुरस्कार में नगद राशि पाठ्य सामग्री प्रदान कर प्रोत्साहित किया गया। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद पहली बार हरेली त्योहार को राज्य सरकार एक उत्सव के रूप में मना रही है। मुगेली में हरेली का त्योहार धूमधाम से मनाया गया जहां पंचायत से लेकर जिला प्रशासन स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं इस खास मौके पर स्थानीय कृषि उपज मंडी परिसर में गेड़ी एवं कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया तो वहीं जनप्रतिनिधियों के द्वारा अलग अलग ग्राम पंचायतों में नवनिर्मित 50 गोठानों का लोकार्पण भी किया गया। इस दौरान बतौर मुख्य अतिथि मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष सहित भात जो विधायक हैं और स्थानीय कांग्रेसी नेता व बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। त्यौहार बहुत खुशनुमा है। छत्तीसगढ़ का पहला त्यौहार हरेली त्यौहार हमारे बहुत धूमधाम से मनाया गया। गांव वालों में काफ़ी उत्साह था और खेल में उसमें गेड़ी दौड़ हुआ नारियल फेंक हुआ खो खो हुआ इस प्रकार से बहुत सारे अनुष्ठान भी बने। छत्तीसगढ़ व्यंजन बनाया गणपति द्वारा उसे गाता गया हमें खिलाया गया।
छत्तीसगढ़ को एक नया काम मिला है कि यहाँ पशुधन के रूप में हमारे जितने पशु हैं वो सुरक्षित हो गए, जो सड़कों में घटनाएं होती थी वो बहुत मात्रा में कम हो जाएगा। इससे निश्चित तौर पर पूरे छत्तीसगढ़ की जनता को लाभ होगा और यह आज हमारा हरेली पर्व जो है एक नया स्वरूप लिया। वास्तविकन में मुख्यमंत्री जी ने, भूपेश बघेल जी ने बता दिया कि वो छत्तीसगढ़ का माटी पुत्र है, छत्तीसगढ़िया बेटा है। रायगढ़ में पहली जो हरेली त्योहार है वो जोर शोर से मनाया गया। किसानों सहित अन्य लोगों ने भी हरेली के लिए उत्साह देखने को मिला उनमें, और इस त्योहार पर लोगों ने छत्तीसगढ़ी पारंपरिक संस्कृति गीत संगीत का आयोजन किया। इस मौके पर रायगढ़ जिले के प्रभारी मंत्री एवं कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने हरेली त्योहार मनाने में लोगों का साथ दिया। रविंद्र चौबे ने कहा कि भूपेश सरकार प्रदेश की संस्कृति की रक्षा के लिए काम कर रही है, किसानों के लिए काम कर रही है। पिछले 15 सालों में भाजपा सरकार ने 1.5 लाख एकड़ किसानों की जमीन उद्योग को सौंप दी थी, लेकिन हम किसानों के चेहरे पर खुशी लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए कृषि ऋण माफी सहित अनेकों काम हमारी सरकार कर रही है। हमारी सरकार ने, आदरणीय भूपेश जी ने, इसको न केवल ग्राम स्तर पे सरकारी स्तर पे मनाने का निर्णय लिया। हम सबका सौभाग्य है कि छुट्टी की भी घोषणा की गई और इसको पुरानी सांस्कृतिक परंपराओं को छत्तीसगढ़ के पुनर्जीवित करने का एक सफल प्रयास था। रायगढ़ जिले में आज कार्यक्रम में मैं आया, मुझे बहुत प्रशंसा हुई। परंपरागत रूप से केड़ी को देखने को मिला, कबड्डी देखने को मिला, नारियल तेल देखने को मिला, कुकड़ी देखने को मिला, जो फ्लेवर है हमारी छत्तीसगढ़ की। दुर्ग नगर निगम द्वारा पोठिया खाला वार्ड में आयोजित हरेली त्योहार कार्यक्रम में भाजपा के MIC मेंबर ने कमिश्नर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। भाजपा पार्षद आमंत्रण कार्ड में महापौर चंद्रिका चंद्राकर का नाम नहीं होने से नाराज थे। बीते दिन अपनी आपत्ति दर्ज कराए जाने के बावजूद निगम द्वारा बिना महापौर के नाम का कार्ड बांटे जाने को लेकर भाजपाइयों ने हंगामा खड़ा कर दिया। भाजपा पार्षदों ने आयुक्त पर कार्यक्रम का राजनीतिकरण करने का भी आरोप लगाया। हमारे छत्तीसगढ़ में त्यौहार को बहुत ही उल्लास के साथ मनाते हैं और इस कार्यक्रम का हम लोग भी स्वागत किए हैं, क्योंकि कार्यक्रम नगर निगम का है और नगर निगम की मुखिया आदरणीय हमारी महापौर श्रीमती चंद्रिका चंद्राकर हैं। शहर की प्रथम नागरिक होने के नाते जो हमारे नगर निगम के आयुक्त ने आमंत्रण कार्ड छपाए हैं, उस आमंत्रण कार्ड में महापौर जी का नाम विलोपित कर दिया गया। किसी के अपमान की नहीं है। निगम प्रशासन दलगत राजनीति से हटकर हम सभी जनप्रतिनिधियों का सम्मान के साथ काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू गुरुवार को अपने परिवार के साथ मंदराची फिल्म देखने के लिए पहुंचे। फिल्म देखने के बाद गृहमंत्री साहू और उनके परिवार वालों की आंखें भरी हुई थीं। सभी दाऊ मंदराची को याद करके गमगीन थे। फिल्म छत्तीसगढ़ी नाचा के जनक दाऊ दुलार सिंह मंदराची के जीवन पर आधारित है। यह छत्तीसगढ़ी में बनी पहली बायोपिक फिल्म है। छत्तीसगढ़ी संस्कृति को लेकर समर्पित गृहमंत्री साहू ने कहा है कि छत्तीसगढ़ी मंदराजी जैसे माटी पुत्रों का गढ़ है और मंदराजी में काम करने वाले हर एक कलाकार अपने अभियान को पर्दे पर जिया है। साथ ही जिस तरीके से अभियान को जिया, और मेरे यह भी प्रयास रहेगा कि मरणोपरांत दाऊ दुलार सिंह मंदराजी को भारत सरकार की ओर से पद्म सम्मान मिल सके। गृहमंत्री से खास बातचीत के साथ संवाददाता सत्या राजपूत ने जीवन पर बनी फिल्म और उनके बायोपिक फिल्म मंदराजी रिलीज हो गई है। इस मूवी को देखने के लिए आज गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू जी मूवी देखकर निकल रहे हैं। उनसे जानते हैं कि मूवी उनको कैसे लगी। मंत्री जी, आप जानना चाहेंगे कि मूवी कैसी और आपको कैसे लगी। मूवी बहुत अच्छी बनी है, कलाकारों ने अंतर मन से मेहनत किया है, जिया है मंदराजी को। बनाने वालों को भी बधाई, कलाकारों को भी बधाई।
देखने के बाद एक बात समझ में आई कि कलाकारों की वास्तविक स्थिति सरकार को देखनी चाहिए और उस क्षेत्र में शासन का प्रयास होना चाहिए जो सारी सामाजिक बुराइयों को सामने करते हैं, दूर करने का अपने माध्यम से प्रयास करते हैं। सरकार के लिए एक बड़ा सोचने का विषय है। निश्चित तौर पर इसको बनाकर और काम करके बहुत एक सराहनीय प्रयास। ये तारीफ तो सभी कर रहे हैं, इसको जो देख रहे हैं इसके अभिनय का, मंदरा जी के काम का, लेकिन सरकार इसके लिए क्या पहल करेगी? कोई सम्मान इनके लिए रखा जाएगा? क्योंकि ये जो आज हम गम्मत के रूप में देख रहे हैं नाचा पाटी जी ने, इसको बुलंदी तक पहुँचाने का काम किया है। सिर्फ एक बात कह सकता हूँ, आश्वासन घोषणा नहीं, जो होगा जरूर चर्चा करूंगा, बेहतर जितना हो सकेगा जरूर किया जाएगा। तो अभी आपने सुना गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी को, जिन्होंने मंदरा जी फिल्म की जबरदस्त तारीफ करते हुए कहा है कि लोगों को ये फिल्म देखना चाहिए, जो कला और साहित्य संस्कृति के प्रेमी हैं उनके लिए बहुत जबरदस्त मूवी है और वो जान सकते हैं कि मंदरा जी कौन है और वो कला संस्कृति को और कहां से कहां तक पहुंचाने में कामयाब रहे। कैमरा मैन अखिलेश के साथ सत्यराजपूत, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने बाघों की संख्या पर पेश केंद्र सरकार के आंकड़ों पर सवाल उठाए हैं। अकबर ने बताया है कि उनकी सरकार प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग पर सख्त कार्रवाई के निर्देश का पालन करेगी। अकबर से क्या कुछ खास बातचीत हुई आपको सुनाते हैं। स्वराज संवाददाता रूपेश गुप्ता ने मंत्री जी से खास बातचीत की। पर्यावरण के हक में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक बड़ा फैसला किया है कि रायपुर के आसपास जो भी फैक्ट्रियां प्रदूषण फैलाएंगी उनको तत्काल बंद कर दिया जाएगा। हमारे साथ पर्यावरण और वन मंत्री मोहम्मद अकबर साहब हैं, उनसे बातचीत करते हैं। ये जो एनजीटी का फैसला आया है इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट कराएंगे? ये जो एनजीटी का फैसला है वो तत्काल बंद करने के बारे में नहीं है। उनका ये कहना है कि उद्योगों में मॉनिटरिंग करें और मॉनिटरिंग करने के बाद जो पाया जाता है जो उद्योग प्रदूषण फैला रहे हैं तो उनके बारे में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के विरुद्ध कार्रवाई करें। और दूसरा ये दिया है कि मतलब वायलेशन करने पर बड़े जो उद्योग हैं उनको 1 करोड़ रुपए का जुर्माना, मध्यम को 50 लाख और छोटे उद्योग को 25 लाख का जुर्माना करना है। 5 साल का भी आकलन करना है कि किसने कितना प्रदूषण फैलाया, तो उसके आधार पर वो फैसला है और वो समीक्षा के आधार पर अब उसमें कार्रवाई आगे करेंगे। कि पूरे देश में बाघों की तादाद बढ़ गई है लेकिन छत्तीसगढ़ में आधे से भी ज्यादा कम हो गए हैं बाघ, 46 से घट करके 19 हो गए। ये 2018 का आंकड़ा प्रकाशित हुआ है और ये बड़ी खुशी की बात है कि पूरे देश में बाघों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन विशेष करके जो छत्तीसगढ़ का मामला है तो जिस तरीके से जानकारी दी गई कि अलग अलग कैमरे लगाए गए थे और उसके आधार पर उसकी गणना की गई है, हमारा बहुत बड़ा जो हिस्सा है बस्तर में, केरल से बड़ा राज्य भूभाग के हिसाब से बस्तर है, वहां पे नक्सली समस्या को लेकर भी बड़ा ये नहीं कहा जा सकता कि हर जगह अपने कैमरा लगा पाए, तो गणना में एक बहुत बड़ा भूभाग वंचित रह गया, ऐसे मेरी जानकारी में है। तो यदि फिर से गणना ठीक ढंग से हो जाए तो मैं ऐसा समझता हूँ कि संख्या में वृद्धि सामने आएगी। इसके लिए कुछ पत्र व्यवहार वगैरह करेंगे या कहेंगे सरकार? अब ये विभागीय अधिकारियों से इस बारे में चर्चा करके, क्योंकि गणना जब हम चाहें तब हो जाए या भारत सरकार की तरफ से किया जाएगा या कोई एनजीओ है वो करेंगे, तो विभागीय अधिकारियों से समीक्षा करने के बाद ही तय करेंगे इसको। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे मोहम्मद अकबर जो बता रहे थे कि बाघों की जो गिनती सामने आई है, दरअसल उसमें बस्तर का जो इलाका है जो कि बहुत बड़ा भूभाग है छत्तीसगढ़ के लिहाज से, और उस भूभाग में लोगों की रुचि नहीं है, तो वहां पे कैमरे किस बिना पर लग गए, और इस संबंध में अधिकारियों से चर्चा करने के बाद कोशिश सरकार की ये होगी कि सही आंकड़े सामने आए। कैमरामैन अखिलेश के साथ रायपुर से रूपेश गुप्ता। रायपुर में राज्य नगरीय प्रशासन सेवा के अधिकारियों ने नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया से मुलाकात कर नगर निगम आयुक्त को हटाए जाने के संबंध में ज्ञापन सौंपा है। मंत्री ने अधिकारियों को आश्वासन दिया है कि क्या कुछ खास इस पर कदम उठाए जाएंगे। मंत्री डहरिया से खास बातचीत की हमारे संवाददाता रूपेश गुप्ता ने। आज नगर निगम के अधिकारियों कर्मचारियों ने मुलाकात की है मंत्री शिव डहरिया से और मांग की है कि जो नियुक्तियां की जा रही हैं वो प्रशासनिक अधिकारियों की जा रही है और इससे उनको दिक्कत है। हमारे साथ मंत्री शिव डहरिया हैं, नगरीय प्रशासन मंत्री। क्या कुछ मांग की है? देखिए, हमारे विभाग के जो अधिकारी हैं
नगर निगमों में पहले से ही प्रावधान है कि वहाँ पे प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति की जा सकती है, ऐसे नियमों में प्रावधान है और बहुत सारे अधिकारी अभी वहाँ पहले से भी कार्यरत हैं। हमारे विभाग में जो अधिकारी कार्यरत हैं वो उनको वरिष्ठता के आधार पर विभाग में अन्य जगह पर प्रतिस्थापना की जाएगी। हमारे विभाग के अधिकारी भी सक्षम है और राज्य प्रशासनिक सेवा के जो अधिकारी हैं उन लोग भी सक्षम है कार्य करने के लिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी और हम हमारे विभाग के अधिकारी कर्मचारियों का पूरी तरह से ध्यान रखेंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। अच्छा, एक और चीज कि केरोसिन को भी बांटने का शहर में फैसला किया है आपकी सरकार ने, इससे पहले कह रही थी कि केरोसिन की किल्लत है लेकिन उसके बावजूद बांट रही है। निश्चित रूप से जरूरत केरोसिन की थी, बहुत सारे जगह केरोसिन का वितरण नहीं हो रहा था, लोगों को दिक्कत थी। हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि केरोसिन का वितरण लगभग 12.5 लाख कार्डधारियों को केरोसिन वितरण किया जाएगा, ये निर्णय सरकार ने लिया है। अच्छा, एक और चीज की अंबिकापुर आप जा रहे हैं जो कि आपका प्रभार का जिला है, वहाँ पे गौठान का भी उद्घाटन करें, क्या कुछ कार्यक्रम? देखिए, 1 तारीख को पूरे प्रदेश में हरेली का त्यौहार मनाया जा रहा है और मैं अपने प्रभार जिले में अंबिकापुर जा रहा हूँ, वहाँ पे हरेली का त्यौहार अच्छे से मनाएंगे और जो नरवा गरवा गुरुआ बाड़ी तरफ गौठान वगैरह का निर्माण हो रहा है जो हमारे प्रदेश के लोगों का आर्थिक सशक्तिकरण का एक माध्यम भी बन गया है उसका भी उद्घाटन करेंगे और वहाँ के लोगों की समस्याएं सुनकर उनके निराकरण की कार्रवाई भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे मंत्री शिव डहरिया जो बता रहे थे कि जो व्यवस्था थी प्रशासनिक अधिकारियों को रखने की वो पहले भी थी, वो बरकरार है। कैमरामैन अखिलेश के साथ रायपुर से रूपेश गुप्ता। वहीं जशपुर के प्रभारी मंत्री अमरजीत भगत पहली बार बतौर मंत्री शहर पहुंचे। 2 दिवसीय दौरे पर मंत्री अमरजीत का बगीचा स्वागत का सिलसिला शुरू हुआ जो नारायणपुर और चराई डांड होते हुए जशपुर तक चलाता रहा और स्वागत के दौरान उन्होंने जिले में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क के साथ ही ट्रांसफर को लेकर हो रही गड़बड़ियों को दूर करने के लिए कहा। वहीं कुनकुरी विधायक और जशपुर विधायक ने भी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मंत्री जी का जोरदार स्वागत किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि सभी प्रभारी मंत्री अपने अपने प्रभार जिला में जाकर के शासन की जो योजना है उसके क्रियान्वयन से व्यक्ति हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या उसका लोगों में क्या आउटपुट है, लोगों में क्या उसका असर है। और हमने निर्देश दिया है कि गुणवत्तापूर्ण निर्माण होना चाहिए, निर्माण में किसी भी प्रकार की जो गुणवत्ता विहीन बात पे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण योजना, आर्थिक और संस्कृति विभाग तथा जशपुर जिले के प्रभारी मंत्री अमरजीत भगत के नगर में प्रथम आगमन पर कांग्रेसियों ने जोरदार स्वागत किया। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में विभागीय समीक्षा बैठक में उन्होंने सभी विभाग के जिला अधिकारियों को निर्देशित किया है कि शासन की योजनाओं का मैदानी स्तर पर क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। उपलब्धि वाली जैसी कोई बात नहीं है, सरकार की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि सभी प्रभारी मंत्री अपने अपने प्रभार जिला में जा करके शासन की जो योजना है उसके क्रियान्वयन से व्यक्ति हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या उसका लोगों में क्या आउटपुट है, लोगों में क्या उसका असर है। सुकमा जिले के अति संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात सीआरपीएफ 74 वाहिनी को एक बड़ी सफलता मिली है। पीएलजीए की टीम की सदस्य ताती भीमे गिरफ्तार हुई है। बस्तरिया बटालियन की महिला प्लाटून ने भी अपना अहम योगदान दिया। गिरफ्तार की गई महिला नक्सली 2012 से नक्सली संगठन में जुड़ी है और वह कई बार नक्सली घटनाओं को अंजाम भी दे चुकी है जिसमें पिडमेल जिसमें 7 एसटीएफ के जवान शहीद हुए थे, साथ ही गचनपल्ली में एक कोबरा जवान शहीद हुआ था। आते हम सीधे उसके ऊपर नहीं कार्रवाई कर सकते थे तो हमारे साथ में जो बस्तरिया बटालियन की प्लाटून है वो भी गई और उनके सहयोग से हमने इसको घर दबोचा और फर्दर पूछताछ होगी, पर अभी ये पक्का हो गया है कि 2 वारंट तो इसके पोलमपल्ली थाने के अंदर हैं। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में फिलहाल